तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते तो दोस्तों इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना और दोस्तों मेरा चैनल उसको भी आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन ये रहेगी दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों वो अगर आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपके चैनल में जो सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है बिना एक भी जगह पे स्किप किए हुए, तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आप परफेक्टली कर पाओगे, तभी ये जो ट्रिक है वो वर्क कर पाएगी और ये काम कर पाएगी। दोस्तों टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा दोस्तों हम सभी जो है काफी जो नए क्रिएटर होते हैं सबसे पहले वो सब फॉर सब करते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें होता क्या है कि सब फॉर सब करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या होता है कि जैसे कि कोई सब फॉर सब करके एक दिन में 100 सब्सक्राइबर गेन करता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद वाला दिन अगर देखता है तो उसका जो सब्सक्राइबर वो 50% होती है, यानी अगर 100 सब्सक्राइबर वो अगर सब फॉर सब करके किया लेकिन दोस्तों उसके बाद वाला दिन वो 50 हो जाता है, 50 सब्सक्राइबर जो है वो ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब कर देता है। तो दोस्तों इसमें सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों? तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि दोस्तों हम लोग जो सब फॉर सब करते हैं उसमें हम लोग गलत तरीका से सब फॉर सब करते हैं, जिसके कारण से दोस्तों हम लोग का जो सब्सक्राइबर है वो डाउन हो जाता है, वो जो यूट्यूब वाला जो है वो उसको अनसब्सक्राइब करवा देता है और चैनल का जो सब्सक्राइबर वो कम होते जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा ट्रिक लगाइएगा जिससे यूट्यूब वाले को पता नहीं चलेगा कि आपका जो सब्सक्राइबर वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं जो ट्रिक बताने वाला दोस्तों इस ट्रिक के मदद दोस्तों जो भी आपका सब्सक्राइबर आएगा वो जेन्युइन सब्सक्राइबर आएगा दोस्तों, एकदम 100% वर्किंग है और उसमें आपका एक भी जो सब्सक्राइबर है डाउन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको उसको उसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप साइड में मेरा स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अपना स्क्रीन ऑन कर देता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज करना होगा जो कि आपका जो चैनल का जो लिंक है उसको आपको क्रिएट करना होगा। अब दोस्तों आप सोचोगे कि वो चैनल का लिंक जो है वो तो हम पहले से क्रिएट किया हुआ, लेकिन दोस्तों वो चैनल का लिंक आपका कोई वर्क नहीं करेगा। अगर उसके थ्रू अगर आप काम करते हो तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो उसको समझ में आ जाता है कि ये लिंक के थ्रू से ये सब फॉर सब करके ये जो अपना सब्सक्राइबर इसको इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से दोस्तों आपको जो सब्सक्राइबर है वो डाउन होते चले जाता है। लेकिन दोस्तों आज का जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस ट्रिक की मदद से दोस्तों अगर आप करोगे तो आपको एक भी जो सब्सक्राइबर है डाउन नहीं होगा और आप जितना सब फॉर सब करोगे या फिर जितना भी आप सब्सक्राइबर लोगे वो आपको जेन्युइन सब्सक्राइब मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताऊँ जिसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो दोस्तों तो उस ग्रुप में आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर मिलेगा, जिसमें आपका सब्सक्राइबर के साथ साथ आपका जो वॉच टाइम है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों वो ग्रुप में ऑनली फॉर सब्सक्राइबर के लिए जो भी जेन्युइन सब्सक्राइबर है, जो भी नया क्रिएटर है वो उस ग्रुप में है और दोस्तों वो एक दूसरे को मदद करके जो अपना चैनल को ग्रो करवा रहा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो चलिए दोस्तों टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बता दें कि उसमें क्या ट्रिक आपको अपनाना है। दोस्तों हम लोग मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। दोस्तों आप बात करें दोस्तों आपको लिंक क्रिएट कैसे करना, दोस्तों सिंपली जो आपका मोबाइल का नोटपैड है आपको उसको ओपन कर लेना है, या फिर दोस्तों आपका जो व्हाट्सअप या फिर कहीं भी जो है आप वहाँ पर उसको ओपन कर लीजिए, लोगे उसको ओपन कर लोगे दोस्तों। अब आपको उसमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ का यूज करता हूँ दोस्तों, आप भी अपना मोबाइल पर नोटपैड होगा दोस्तों आप उसको ओपन कर लोगे। देन दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लिखना क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों इसमें आपको लिखना क्या है, https उसके बाद डबल स्लैश, फिर दोस्तों आप इसमें www.youtube.com लिखना है दोस्तों। .com लिखने के बाद फिर आपको एक स्लैश देना है, स्लैश देने का दोस्तों आप ध्यान से सुनोगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली लिखना है रिजल्ट, अब इस तरह से रिजल्ट आपको लिखना है RESULT रिजल्ट से लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क का सैम्बल दे देना है। क्वेश्चन मार्क का सैम्बल देने के बाद दोस्तों फिर आपको इसमें लिखना है सर्च, SEARCH सर्च लिखना है। सर्च लिखने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर आपको फिर क्वेरी लिखना है, क्वेरी लिखना है जिस तरह से दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे QUERY क्यूरी, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है वो आपको लिख देना है दोस्तों। ये लिखने के बाद दोस्तों आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपका चैनल का नाम है दोस्तों वो लिखना है, लेकिन दोस्तों आपको उसको किस तरह से लिखना है ये बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप मेरा चैनल देख पा रहे हैं टैग दिवाकर, दोस्तों आपको टैग दिवाकर सटाकर नहीं लिखना है दोस्तों, आपको किस तरह से लिखना है TECH टैग लिखने के बाद दोस्तों आप इसको फिर प्लस का साइन दोगे और उसके बाद DIWAKAR इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों ये जो आपका लिंक है ये क्रिएट हो गया। अब इस तरह से लिंक जैसे आप क्रिएट करोगे और उसके बाद अगर आप किसी को भी इसको प्रोवाइड करोगे, किसी को भी आप शेयर करोगे ना, तो जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब का जो सर्च इंजन है जो कि आप डिटेक्ट करता है कि ये लिंक के थ्रू आया है फिर ये
कहीं सब फोर सब करके है, ये आपका जो चैनल उस ट्रेस नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया, जैसे मैंने ओपन किया सीधा मुझे होम स्क्रीन जो मेरा पेज का जो होम स्क्रीन है वहाँ पर ले आए। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको जो यूट्यूब वाले है ये जो ट्रिक है उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहाँ है। यूट्यूब को यही लगेगा कि ये जो नाम है आपके चैनल का जो नाम है वो सर्च करके इस चैनल पे आया गया, जिससे आपका चैनल का जो रीच है वो तो बढ़ेगा ही, इंप्रेशन भी आपका चैनल का इसमें ग्रोथ होगा। अब दोस्तों आप इसमें सब फॉर सब भी कर सकते हैं, अगर आपका अगर सब फॉर सब करते तो आप सब फॉर सब में भी ये लिंक को यूज कर सकते हो दोस्तों, इसमें आपका सब फॉर सब भी काम कर जाएगा। या फिर दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, दोस्तों आप सिंपली वहाँ पर चले जाओगे, वहाँ पर जाना दोस्तों, उस जगह पे आपको उस ग्रुप पे आपको ज्वाइन होने जाना, देन दोस्तों उसके बाद इस लिंक को वहाँ पर आपको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे वहाँ से आपको मैसेज करेगा, जो भी बंदे होंगे जो भी नए क्रिएटर है वो आपको मैसेज करेंगे, देन फिर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप उसको उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, इस तरह से आपका सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही। और दोस्तों उसमें जितने भी यूजर है जितने भी क्रिएटर है वो सब जेन्युइन है। और दोस्तों इस ट्रिक को यूज करके दोस्तों आप अपना जो सब्सक्राइबर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का नॉलेजेबल ट्रिक एंड वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।